हरे कृष्ण। आइए आज हम ई फ्लूट बजाएंगे। ये हम किसी स्टूडेंट के लिए बनाए एक बेस, ई बेस फ्लूट, बहुत छोटा है। आपको देखने से मालूम हो रहा है कितना छोटा सा ई बेस है, 28 इंच ई बेस फ्लूट। तो ये इसका साउंड चेक हम देखेंगे। हमारे दो चार स्टूडेंट हमको बोला जी, गुरुजी जो चार कोमल नोट होता है और एक तीव्र वहाँ होता है, इसके बारे थोड़ा आप जानकारी देंगे तो अच्छा है। तो हम थोड़ा बजा लेते हैं बांसुरी। पहले हम सुर देखते हैं बांसुरी का लेवल। ये बांसुरी उनको भेजना है मुझे, तो उन्होंने बोला गुरुजी थोड़ा बजा के आप दिखाइए फ्लूट परफेक्ट स्केल में हाई क्या नहीं है। तो उसी बांसुरी को हम बजा रहे हैं। ई बेस फ्लूट 28 इंच का है, तो हम बजा के दिखा रहे हैं स्केल में हाई क्या नहीं है। एक एक स्वर को हम दिखाएंगे, जैसा सा नी धा, फिर सा के साथ मध्यम, नी के साथ मध्यम, धा के साथ मध्यम, ये हम थोड़ा दिखाएंगे। हमारा सा, ठीक है, सा हम देखा ले। सा जो है लोअर मिडिल अपर, लोअर पिच बजा रहे हैं। मिडिल हो गया तार सप्तक। तीनों बड़ा बड़ स्केल में है, ठीक है। अभी हम नी बजाएंगे, चलो देखते हैं। थोड़ा तनपुरा का आवाज बढ़ाएंगे। नी के साथ मध्यम का,
तो हम नी देख लिया, अभी हम देखेंगे धा। धा मतलब ई बेस फ्लूट का सी शार्प। हमारे फ्लूट का बैलेंस देखिए, एक एक स्वर हम बजा दिया, किस प्रकार लेवल है फ्लूट साउंड, किस प्रकार साउंड चेक करके फ्लूट वाला को फ्लूट लेना चाहिए। फिर दिखा रहा हूं, धा बजा रहा है ई बेस फ्लूट, सी शार्प धा सी शार्प आ रहे हैं ई बेस फ्लूट। था ई बेस फ्लूट, नी बजाएंगे अभी ई बेस फ्लूट में। नी आएंगे डी शार्प, ऑक्टिव हम दिखा रहे हैं हमारे बांसुरी में। इस प्रकार बांसुरी चेक करके बांसुरी वाला को लेना चाहिए, ठीक है। हमने जिसके लिए बांसुरी बनाया यहाँ पे उनका एड्रेस हम आपको दे देंगे, उनसे आप संपर्क करके पता कर सकते हैं ये फ्लूट परफेक्ट है क्या नहीं है। तो फिर हम अभी सामने आएंगे, फ्लूट चेक करके आपको लेना पड़ेगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा फ्लूट स्केल में है क्या नहीं है। तो आज का वीडियो हम यहाँ छोड़ देते हैं, फिर हम आगे आपको बताएंगे चार कोमल नोट कैसे आप उपयोग करेंगे, चार कोमल नोट कैसे आते हैं, कैसे बजाएंगे।
श्री राधे।